2017 में ये रेशियो कितना है? 34% है। आपको पता है मेरी प्यारी बहन, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, पढ़े लिखी बात हो रही है ना, कोई मतलब चीखम पुकार गालम गलोच नहीं हो रही, ठीक है ना। मेरी प्यारी बहन, 4 में से 10 बच्चे जो इस माशरे में पैदा होते हैं ना, उनके बापों के नाम नहीं पता होते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट। और हुकूक मार्च, ये जो हुकूक है ना, ये हुकूक मैं बताता हूं आपको कि इन 4 बच्चों के हुकूक, इन 10 औरतों के हुकूक, जिन्होंने 4 उन बच्चों को जन्म दिया जिनके बाप का ना पता हो, ये कौन दिलवाएगा इनको। आपको पता है कि 80 से 90% औरतें इस आपकी नजर में जो आइडियल माशरा है, आपकी नजर में जो आजादी वाला माशरा है, उसके अंदर 90% खवातीन सुबह से शाम तक नौकरी करती है, मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, मेरे अल्लाह की करम से और मेरी मां की दुआ से सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि खुदारा कोई ऐसा सिलसिला निकाल लो कि हमारे बच्चों के सर पर एक 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 शेल्टर आ जाए, हमारी जेब में 2 वक्त की रोटी के पैसे आ जाए। खुदा की कसम मैं आपको यहां 28 साल का तजुर्बा बता रहा हूं, मेरी बहन आप किस माचरे की बात करती हो। आगे चले, चलो अभी 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 भी बात खत्म नहीं हुई है। इस माचरे में यूएस सेंसिस ब्यूरो के मुताबिक हर 4था बच्चा बगैर किसी बाप के नाम के पैदा होता है। सुन लिया, मेरा जिसे मेरी मर्जी, ठीक है ना जी। 35% से 77% तलाकों का अंजाम के नतीजे में औरत इस माशरे में पावर्टी लाइन से नीचे जिंदा रहती है। इस माशरे में जिसकी आप मिसालें और जिसको आइडियल आप समझ रही हैं, जिसके नाम पर आप मेरी माओ बहनों को गुमराह कर रही हैं, उसमें 77% औरतें पावर्टी लाइन से नीचे रहती हैं। आई समझे बात, पावर्टी मतलब गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहती हैं। आगे चलते हैं, ये भी छोड़ दीजिए, मैं आपको उससे भी गंदी एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि जब से पिछले 20 सालों में आपने चूरन भर जो जो आपके लोग आपके साथ मौजूद हैं और जो नारे लगाते हैं औरत के हुकूक के, आपने मेरे घरों में अपने महलों में अपने खानदानों में दर्जनों तलाक याफ्ता खवातीन को जन्म दिया। आपने इनके कान भरे, आपने इनके दिमाग खराब किए, मेरे हुकूक मेरी मर्जी मेरा जिस्म, उसके नतीजे में हुआ क्या मेरी प्यारी बहन, आज हर दूसरे घर में एक तलाक याफ्ता मौजूद है। क्या आप अपने भाई की शादी किसी तलाक याफ्ता से करेंगी? क्या आप अपनी तलाक याफ्ता बहन के लिए कोई घर तलाश कर पाएंगी? क्या उसकी औलाद को बाप दे सकती हैं आप? नहीं दे सकती। ये अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके बाद मैं बात को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। आज की स्टडी के मुताबिक 78 से 87% अमेरिका में रहने वाली खवातीन ये चाहती हैं कि उनको बर मिले, उनको शौहर मिले और ब्रेड विनर के तौर पे एक मर्द उनके घर में हो ताकि वो अपना काम कर सके। उनसे पूछा गया कि आपका काम क्या है, तो उन्होंने कहा बच्चों की परवरिश। यह है जवाब आज के इस अमरीकी माशरे का, इस वेस्टर्न माशरे का। और आप करने चलिए आजादी मार्च, हां करते हैं आजादी मार्च, हां मांगते हैं आजादी, हम भी आपके साथ शाना बचाना खड़े होके, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आजादी मांगेंगे हम जुल्म के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम जालिम के हाथ से, आजादी मांगेंगे हम फिरका वारियत के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम बेशर्मी के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम हुकूक की सलबी के निजाम से, आजादी मांगेंगे हम नाइंसाफी से, आजादी मांगेंगे जमींदारों से, आजादी मांगेंगे हम वडेरों से, आजादी मांगेंगे हम जागीरदारों से। लेकिन उसमें आपकी आवाज नहीं निकलती। जिस मुल्क को कुरान और अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया हो और उस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कुरान के अलावा हर किस्म की चीज की तलकीन हो रही हो और उसके निजाम में कुरान के अलावा हर किस्म के निजाम में जो आप जैसे लोग राइज करना चाहते हैं बात और गुफ्तगु हो, तो उस मुल्क में नाइंसाफी सर चढ़ के बोलती है, उस मुल्क में आप जैसे लोगों को मीडिया बुलाता है, उस मुल्क में आप जैसे लोगों की परवरिश की जाती है। जिस मट्टी ने आपको जन्म दिया, जिस मट्टी में आपको जाना है, उस मट्टी के साथ नाइंसाफी और दगाबाजी करके, उस मट्टी के अंदर खोट मिला के आप क्या समझती हैं कि मेरी बहनों को, मेरी माओ को, मेरी बेटियों को गुमराह करके आप कौन सा तीर मार लेंगी? आइए मैं बताता हूं उस कुरान की बात। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इस कुरान को उठाइए, खुदा के वास्ते ये फोन पर भी होते हैं, ये डिजिटल कुरान है, पढ़िए सूरह निसा। जिस वक्त आपकी ही जैसी लड़कियों को जमीन में दफनाया जा रहा था, जिस वक्त आप जैसी लड़कियां जब पैदा होती थी तो वो गाली तसव्वुर की जाती थी,
اس قرآن نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ تو رحمت ہے، ٹھہر جاؤ یہ تو محبت ہے، ٹھہر جاؤ یہ تو ماں ہے، ٹھہر جاؤ یہ تو بیٹی ہے۔ اب اس قرآن کو اٹھا کے جزدان میں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا اور آپ چلیے سیکولر بنانے، آپ چلیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعوذ باللہ سیکولر کا نام لینے۔ تو سیکولر کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چند سو میل دور جہاں آپ بیٹھ کر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہے نا، اس چند سو میل کے فاصلے پہ دنیا کا ایک دارالخلافہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا، جس کو نیو دہلی کہتے ہیں، جس کو ریپ کیپیٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ نام نہاد میرا جسم میری مرضی، نام نہاد عورت کی آزادی، نام نہاد آزادی مارچ، وہاں پہ عورت کا ریپ کا کیپیٹل ہے، یہ آزادی مانگ رہی ہو، میری بیٹیوں کو اس راستے پہ ڈال رہی ہو، میری بہنوں کے دماغوں میں خناس بھر کے ان کے جسموں کو بازار میں لا رہی ہو، کون سی بات کر رہی ہو؟ خود تو اپنا ٹائم دیکھ لیا، اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہو؟ قرآن اور سنت کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، اور ناانصافی جب تک ہے اس وقت تک آپ جیسے لوگوں کے منہ میں زبان ہے۔ جس دن اس پہ قرآن اور سنت کی پرورش ہوگی، جس دن یہاں قرآن اور سنت پریکٹس کیا جائے گا، خدا کی قسم آپ جیسے لوگ انشاءاللہ تعالی باعزت بھی ہوں گے، آپ جیسے لوگ میرے گھروں کی عزت بھی ہوں گے، آپ میرے دلوں میں رہیں گے، آپ اس معاشرے کا کراؤن جول ہے۔ چھوڑ دیجئے یہ بے حسی، چھوڑ دیجئے یہ بے غیرتی، چھوڑ دیجئے یہ بے شرمی، بات کیجئے میرے اللہ کی، سلام پیش کیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے آپ کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، آپ کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے۔ خدا را اس جنت کو خراب نہ کرے، خدا را اس عورت کے نام کو خراب نہ کرے، اپنی دو دن کی اور دو پیسے کی سیاست چمکانے کے لیے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔